Now we are going to start chapter 56, Travelers. Some discoveries are given below. यहाँ पर हमें कुछ discoveries, कुछ खोजें दी गई हैं और हमें यहाँ पर कुछ unscramble करने के लिए words दिए हुए हैं जो jumbled हैं, right? So हमें इनके explorers का, इन discovery के explorers का, किसने ये खोजों को खोजा है, यहाँ पर इनके नेम्स हैं, हमें इन्हें बताना है, राइट? तो चलिए, इन 1255 ही ट्रैवल टू पेकिंग, 1255 में उसने ट्रैवल किया पेकिंग तक, तो वो कौन थे? निकोलो पोलो, राइट? इन 1271 से 1294 तक ही ट्रैवल टू चाइना एंड इंडिया, उसने ट्रैवल किया चाइना एंड इंडिया में, मार्को पोलो, ये कौन थे? मार्को पोलो. लेट्स गो अहेड. नंबर 3 पर वी हैव, इन 1487 में ही रीच्ड केप ऑफ गुड होप्स, ये कहाँ पहुँचे? केप ऑफ गुड होप्स, और ये थे बार्टोलोमर डियास. ओके, 1492 में ही रीच्ड भामास एंड क्यूबा, भामास और क्यूमा पहुँचे ये क्रिस्टोफर कोलंबस. ओके, इन 1498 में ये इंडिया आ गए, ये थे वास्को डिगामा, ये इंडिया पहुँचे थे 1498 में. इन 1909 में ही रीच्ड नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल पहुँचे थे और ये थे रॉबर्ट ई पेयरी. ओके, सो बच्चों आपको ये डिस्कवरीज और इनके एक्सप्लोरर्स के नाम लर्न करने हैं. यहाँ पर हम देखेंगे द एज ऑफ डिस्कवरी वॉज अ पीरियड इन हिस्ट्री स्टार्टिंग इन द अर्ली 15th सेंचुरी एंड कंटिन्यूइंग इन टू द अर्ली 17th सेंचुरी. सो जो डिस्कवरी की जो युग था वो एक इतिहास में पीरियड था जो शुरू हुआ था अर्ली 15th सेंचुरी में और कंटिन्यू रहा था 17th सेंचुरी की शुरुआत तक, अर्ली 17th सेंचुरी तक. ओके बच्चों, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी और अब आप इसे लर्न भी करेंगे. तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू सो मच.